एंड हाउ टू से मोटिवेटेड, आई वुड से लुक बियॉन्ड सिलेबस, बिकॉज एग्जाम्स के लिए जो तुम पढ़ते हो CM1 जो भी पेपर्स पढ़ते हो उसमें तीन चार प्रोडक्ट्स ही रहते हैं, ठीक है, एनुइटी टर्म इंश्योरेंस भी रहता है, रियल लाइफ में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। मगर मैं स्ट्रिक्टली लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताऊँ, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं, एंड ये अगर तुमको ड्राइव नहीं कर रहा टू द फील्ड एंड वट इज विल, आप इतने सारे अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो आने वाले वक्त में कि एक तो इतने सारे काम बढ़ने वाले हैं, इंटरेस्टिंग काम आने वाले हैं जो दूसरे प्रोफेशन में नहीं होते उतने जनरली। वो एक सी ए अभी भी वही करे जो पहले भी करता था, आई एम नॉट डिग्रेडिंग इन प्रोफेशन, बट बहुत इवॉल्विंग स्टेज पे है ये फील्ड अभी, तो वो मोटिवेट करना चाहिए। एंड हाँ, एक चीज मैं बोलूँगा कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड फॉर समवन हु इज वर्किंग राइट नाउ। एक होता है ना कि तुम चार पांच पेपर कर लिया, देन यू स्टार्ट फेलिंग फ्यू पेपर्स, तुम जॉब में भी अच्छा सैलरी तुमको मिल रहा है सपोज, तो तुम वहीं पे स्टॉप करना चाहोगे, ठीक है, एक होता है मेंटालिटी आता है, कंटेंटमेंट हो जाता है एक तरीके से, कंटेंट हाँ, आ जाता है कि इतना ठीक है तुमने इतना कुछ कर लिया, चल रहा है, हाँ, वैसा आ जाता है। वहाँ पे मोटिवेशन लाने के लिए मैं तो क्या करता था, मैं ऑफिस में जहाँ बैठा था ना वहाँ पे मैं ऐसे जगह बैठा था जहाँ पे मेरे इमीडिएट कलीग्स भी हो एंड डिफरेंट टीम से कलीग्स भी हो, तो क्या होगा ना कि उनसे जब मैं बात करूंगा तब उनके काम के बारे में सीख पाऊंगा, एंड इट माइट बी सो दैट देयर वर्क मोटिवेट्स मी फर्दर, मैं वहाँ पे ज़्यादा काम करना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंस एनालिसिस एक ऐसा फील्ड है इन लाइफ इंश्योरेंस जहाँ पे इमेंस अपॉर्चुनिटी है स्पेशली आफ्टर कोविड, सो वो जो काम है ना वो आपको तभी पता चलेगा जब आप बात करोगे अपने डिफरेंट सीनियर पीयर से, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या एडवांसमेंट्स है उसमें, क्या फाइंडिंग्स है, तो अगर वो सब जान लोगे देन आपका मोटिवेशन और बढ़ जाएगा कि ठीक है समथिंग इज देयर विच इज येट टू बी अचीव्ड। बस चार पांच पेपर के बाद गुड सैलरी इज नॉट योर फाइनल स्टेप, करेक्ट, देयर आर मेनी अनटैप्ड पोटेंशियल, तो वो वाइज इंक्रीमेंट भी मिलता है, पेपर वाइज तो रहता है। देखिए सैलरी तो एक मोटिवेशन है ही, एम्प्लॉय इज मोस्ट मोटिवेटेड जब फर्स्ट डे ऑफ द मंथ में उसको सैलरी मिलता है, ये तो है, बट एक्सेप्ट दिस सैलरी वाला कॉम्पोनेंट, अगर आप काम में भी जाओ ना तो काम में भी मोटिवेशन मिलना बहुत ईजी है, बट आपको खुद खोजना पड़ेगा, आपको थाली में सजाएगा कोई देगा नहीं, सो यू हैव टू ग्राइंड, you have to connect with people, you have to learn about different exposures in a company, tabhi jab aapko motivation milega, sahi baat hai, theek hai।